टीकमगढ़ जिले में 25 फरवरी से 5 मार्च तक श्री राम कथा आयोजन होना है, जिसमें बागेश्वरी धाम के परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा श्री राम कथा का वाचन किया जाएगा, जिसको लेकर आज टीकमगढ़ शहर के एक शहनाई गार्डन में राजेंद्र तिवारी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ बालाजी सरकार की आरती के एवं छोटी छोटी कन्याओं को तिलक लगाकर पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें बताया गया कि 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक श्री राम कथा आयोजित की जाएगी। कथा की रूपरेखा तय कर समिति एवं कार्यकारिणी का गठन किया गया, साथ ही सभी शिष्य मंडल के कार्यकर्ताओं को अपनी अपनी जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। जो संभवतः वो लोग कल परसों तक दे देंगे, और उसके बाद कलेक्टर महोदय से भी हमारी चर्चा हुई थी और एसडीएम साहब से भी हमारी चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा है कि आप अपना शपथ पत्र सहित प्रस्तुत करेंगे, जो शासन गाइडलाइन होगी उसका आप पालन करेंगे तो हम आपको अनुमति देंगे। और हम भी जो भी शासन जिस आधार पर हमसे शपथ पत्र या अंडरटेकिंग जो चाहेगा हम उनको देंगे, और जो शासन का नियम होगा उस नियम के अंतर्गत हम अपने इस कार्यक्रम की अनुमति उनसे मांग कर रहे हैं, और वो संभवतः हमको दो चार दिन में दे भी देंगे। लगता है कि हमें नारायण दास खरे स्टेडियम अनुमति प्राप्त हो जाएगी। और भी दूसरा मैदान है जो आपको खुद मालूम है कि नूतन विहार कॉलोनी के पास बहुत बड़ा मैदान है, उसकी भी हम परमिशन की बात करेंगे। दो में से एक किसी भी जगह हम बागेश्वर धाम सरकार की कथा के लिए प्रशासन से स्वीकृति प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।